बैठ जा बेटा। पापा। अभी तक बाहर से लौटे नहीं है वो। पापा लंदन गए थे ना, वापस कब आएंगे? बहुत जल्द आ जाएंगे। लंदन से वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर वो एक मीटिंग को खत्म करेंगे, उसके बाद एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। दूध में पानी मिलाता है और हमसे पैसा मांगता है। दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ मैं, मेहनत की खाता हूँ। नाम है वीर, रणबीर। ड्राइवर। हाँ बेटा। तुम यही रुको, उसे तो मैं देखता हूँ। ए, तूने गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा? मुझ पर तूने कीचड़ क्यों उड़ाया? मैंने थोड़ी उड़ाया, सड़क पर कीचड़ पड़ा हुआ था तो उड़ गया। तो मैंने थोड़ी फेंका, पत्थर था उड़ गया। कार का शीशा तोड़ के तेरी इतनी हिम्मत की दादागिरी करता तूने है? मुझ पर हाथ उठाया तो तू क्या कर लेगा? मैं क्या करता हूँ अभी दिखाता हूँ। भैया छोड़ो, भैया छोड़ो, भैया छोड़ो, मत मारो, छोड़ो भैया। मामा, मामा, भैया बीच रास्ते में एक लड़के से झगड़ा कर रहे हैं। हे भगवान, ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा। ए रणबीर, छोड़, छोड़, मैंने कहा छोड़ उसे, छोड़। बेटा, बेटा, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी ना? ओहो हो, जख्म कितना गहरा है। रणबीर, तू घर तो आ जा, चल बेटा, चल। ए भगवान, तुझे तो बहुत चोट लगी है, अरे ऐसे झगड़ते है क्या? नहीं नहीं, ये चोट अभी नहीं लगी, पिछले हफ्ते लगी थी। पिछले हफ्ते लगी थी? अरे बेटा, तुम्हें अपनी माँ को बताना चाहिए था, वो दवा लगा देती ना। लेकिन मेरी माँ नहीं है, जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरी माँ मर गई थी। मेरे तो सिर्फ पिताजी है, वो भी मुझे अकेला छोड़ के हमेशा बाहर रहते हैं। तेरा नाम क्या है बेटा? अशोक। हे माँ, मुझे भी चोट लगी है, मुझे छोड़कर उसको दवा लगा रही है। लगाती हूँ बेटा, लगाती हूँ, पहले इसे तो दवा लगा लूँ फिर तेरी खबर लेती हूँ। पहले तू इससे झगड़ा करने के लिए इससे माफी मांग। माफी क्यों नहीं मांगता, सुनाई नहीं दे रहा है? पर माँ, झगड़ा तो इन दोनों ने किया था ना, फिर वो अकेला क्यों माफी मांगेगा? अरे वाह, बड़ी आई दादी माँ, देखो तो कैसे भाई की तरफदारी कर रही है उसकी छोटी बहन। जा, रसोई में मिठाई रखी है, वो लेकर आ। जा, जा बेटा। बेटा अशोक, अब आगे से माँ नहीं है ऐसा कभी मत कहना। हा? आज से तू मुझे अपनी माँ समझ, तेरा जब मन करे यहाँ आ सकता है। ये रणबीर, कमला, इन दोनों के साथ तू यहाँ पर खेल सकता है, समझा? हाँ? रणबीर बेटा, ये प्यारा लड़का है और इसकी माँ भी नहीं है, तू इससे लड़ना मत। हाँ, क्या हुआ अशोक, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? माँ, ये लो। हाँ? मिठाई। लाला, ये ले बेटा, खा ले, खा ले। हाँ? सब खा ले। हाँ, अब तू भी खा ले, मैं तेरे कपड़े धोकर आती हूँ। हाँ, खा ले। नमस्ते, बैठिए ना। नमस्ते, नमस्ते। हाय अशोक, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू पापा। केक काटो बेटा। नहीं पापा, मेरा दोस्त रणबीर अब तक नहीं आया। बेटा, उसे क्यों बुलाया है? देखिए रणबीर आ गया पापा। अशोक, जन्मदिन बहुत मुबारक हो। थैंक यू रणबीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आज का प्रोग्राम बताता हूँ। 11 से 11:30 बजे तक आपकी कैटरिंग वालों से मीटिंग है।
11:30 से 12 बजे तक आपकी मंत्री जी के साथ मीटिंग है। ओके। 12 बजे कोड़े कनाल में नया होटल बनाने के बारे में डिस्कशन है सर, इंजीनियर्स के साथ, और 1 से 2 लंच है सर। 2 बजे वाली फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग कैंसिल हो गई है सर। वाई? वो लोग सांड की रेस देखना चाहते हैं, आज त्योहार है ना सर। ओ, आज तो त्योहार है ना जी। डू वन थिंग, मेरे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो सर। जैसा कहा वैसा करो। अशोक, पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके। जोड़ घटा के देखो, हिसाब बराबर आ जाएगा। अपने बेटे अशोक को भेजता हूँ। ठीक है, फोन रखता हूँ। नमस्कार। आपने मुझे याद किया पापा। हाँ अशोक, मिनिस्टर साहब का फोन आया था, कुड़ई कनाल का प्रोजेक्ट जल्द शुरू करना है। पर आज मैं किसी से नहीं मिल सकता पापा। क्यों? आज बड़ा त्योहार है और मुझे अपने दोस्त रणवीर से मिलना है। चुप रहो, मैं मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ और तुम उस गवार से मिलना चाहते हो। पापा उसकी बेइज्जती मत कीजिए, आज मेरे लिए कोई अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। आज जरूरी है तो मेरे जिगरी दोस्त रणवीर से किसी भी हाल में मिलना। कमला, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। भैया बहुत प्यारी है। ये क्या है? माँ, मेरे लिए है। आपके लिए। बाप रे, ये क्या है? ओहो, सोने का, सोने की चूड़ी है। गोच है। अरे रे रे रे, ये क्या है? देखना, साड़ी। साड़ी, तेरा सत्यानाश हो। ये शॉल है, शॉल। पागल। और इसमें क्या है? चिकन बिरयानी। कमला, हम सब बाद में देख लेंगे, पहले संभाल के रख दे। अशोक, माँ के लिए साड़ी लाए हो, शॉल। बहन के लिए चूड़ी लाए हो, वॉच। हाँ जो कुछ भी है, मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए? हाँ। कुछ नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तेरा गिफ्ट मैं यहाँ नहीं ला सकता भाई। ओ, इतना बड़ा गिफ्ट? हाँ। है। सुनो माँ। हाँ। तुम्हारे लिए सिर्फ साड़ी और मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट। क्या गिफ्ट है? बताता हूँ क्या है। अपने होटल में दूध सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म बनाने वाला हूँ। हाँ। और उसका मालिक होगा तू। 2000 गाय, एक कार, एक वैन और एक ब्यूटीफुल बंगला। तुझे मैं एक बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। तो मुझे भी तू अपनी तरह पैसे वाला बनाएगा? माँ, अशोक हमें गाड़ी बंगला देकर हमें भी पैसे वाला बनाना चाहता है। लेकिन बेटा, हमें गाड़ी बंगला पैसों की क्या जरूरत है? क्यों माँ? नहीं चाहिए बेटा, इसके पिता का बनाया हुआ घर हमारे लिए काफी है। सीधा साधा बेटा, प्यारी सी एक बेटी, मेरे सगे बेटे की तरह। तू भी तो मुझे कितना प्यार करता है, और मुझे भला क्या चाहिए। अशोक को दे। लो भैया। हम यहाँ बहुत सुखी है, हमें किसी चीज की कमी नहीं। तू और तेरा ये भाई बड़े प्यार से रहना, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन इसको देखो, कार और बंगला देगा। माँ, ले बेटा। अशोक देखो कितना खा रहा है। क्या कहा? हाँ, खा के मोटा हो गया। मोटा? हाँ। मेरे बेटी को नजर क्यों लगाता है? तेरे से बहुत बेहतर है, तुझे तो गाय, बैल, बछड़ा, तबेला ही सूझता है। अपने साथ इसे हमारी भी फिक्र नहीं, और ऐसे अनाड़ी को तू गाड़ी में बिठाना चाहता है? तू अपने काम पे ध्यान दे, इसे छोड़ दे, ये यही ठीक है। टुडेज न्यूज, मिनिस्टर पाइल्स कंप्लेन। मिनिस्टर पाइल्स कंप्लेन का मतलब पता है तुम लोगों को? मिनिस्टर को पाइल्स की बीमारी है। पाइल्स की बीमारी लेकर ये मिनिस्टर लोग राज क्यों करते हैं हम पर? दूसरा पन्ना पढ़ता हूँ अब मैं। फॉलोइंग आर दैट हाईलाइट ऑफ दैट कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब पता है? चर्च में फादर लोग दूसरे लोगों को आशीर्वाद देते ना, वही है। कैसे हो रणबीर? गुड मॉर्निंग ब्रदर वॉरियर। नमस्ते। ओके, अब क्रिकेट न्यूज पढ़ता हूँ मैं। हाँ, तेंदुलकर क्लीन बॉल। क्लीन बॉल मतलब बॉल ऐसे हवा में आए और उसे फक से पकड़ लेना, उसे ही क्लीन बॉल कहा जाता है। हाय वेलकम साहब, क्या लाऊं आपके लिए? गोरे साहब से बात करने की तेरी औकात नहीं, तू अंदर जा, काम कर अपना। और तू यहाँ बैठ के सीट गर्म करा, चल निकल यहाँ से, चल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। Hi. Hello. My name is Mr. Puncher. Pleased to meet you. I'm Steam. Hi, Mr. Pin. And now I'm going to explain what are foods we are going to having. Rice cakes and spicy bada and the beef sausage. In this, what would you like to have? Ek masala bada aur chai. Thoda jaldi. गुड मॉर्निंग पहला गुड। माँ, क्या हुआ रणबीर, तेरी माँ इस तरह रो क्यों रही है? आज क्या हो गया? आज मेरे पिता की बरसी है।
कुछ नहीं बेटा, तेरे पिताजी की याद आ गई। तेरे पिताजी के साथ साथ मुझे भी मर जाना चाहिए था। माँ, मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए। ये क्या कह रही हो माँ? रणबीर बेटा, इस घर को तेरे पिताजी ने बहुत मेहनत और लगन से बनाया था, और इसमें सिर्फ उनका पसीना ही नहीं बल्कि उनका खून भी बहाया गया है। और इस घर के पत्थर में, हर ईंट में अभी भी वो जिंदा है बेटा। मेरा सपना क्या है जानते हो? जैसे तेरे पिता यहाँ रहे, उनकी मौत भी यहाँ हुई थी, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे प्राण भी यहीं निकले। अब रोना बंद करो। ए तू समझा ना? क्या मौसी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? डोंट वरी, यू विल लिव लॉन्ग। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। रणवीर शुड गेट मैरिज, फिर कमला शुड गेट मैरिज, आई शुड गेट टू मैरिज, फिर हम सब की शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे जो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम्हें ग्रैंडमा ग्रैंडमा कहानी सुना बोलेंगे ना। दीदी क्या है अनीता? गाय को बच्चा हुआ है। क्या हुआ है? बछड़ा हुआ है। अच्छा हाँ। चल काउबॉय है, मैकडाउन, नो मिल्क, नो टी, ओनली गोबर, यूजलेस। मैंने कितनी मेहनत की पर इसने फिर भी बछड़ा पैदा कर दिया। क्या हुआ रणबीर, तुमने क्या मेहनत की? अरे मैं जानवर को कितनी बार अस्पताल लेके गया ना। एनीवे लेट्स गो एंड सी। सर्टिफिकेट प्लीज। आपका नाम शांति है? जी सर। पीए के काम में 3 साल का एक्सपीरियंस है? यस सर। कैटरिंग में डिप्लोमा भी किया है? यस सर। आप जरा बाहर इंतजार कीजिए। थैंक यू सर। ये जो कैंडिडेट है इनके बारे में आपकी क्या राय है? इंटरव्यू में जितने आए उनमें से यही बेटर है सर। आई सी। आप अपॉइंटमेंट लेटर रेडी कीजिए और उन्हें अंदर भेज दीजिए। ओके सर। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। मेरे ऑफिस में मेरी परमिशन के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों, मैंने क्या गलती की? फिर क्या, मुझे भी नौकरी देने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज? तुम भी ना। अरे वो दूसरों को दिखाने के लिए है, तुम्हारे लिए और ये अपने लिए और ये हम दोनों के लिए। और किस किस लिए? अपनी शादी के लिए। मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। चलो बैठ के बातें करते हैं। एक बात बताओ, हमारी शादी के लिए पापा मान जाएंगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं। हाँ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? रणबीर नाम का मेरा एक जिगरी दोस्त है। मैंने उससे वादा किया है कि हम दोनों की शादी एक ही दिन होगी। तो तुम उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? ये तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। और वो क्या है? वो निकम्मा आज तक किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा। ये यार मुझ पर छोड़ दीजिए। यहाँ क्या कर रहा है तू? बैठ जा, बैठ जाओ। मेरी नाक में चोटी घुसा दी, तू भी बैठ। हाँ लेट जाओ। शर्म आती है। लेट जाओ। पैर ऊपर। मेरा नाम रणबीर, इसने बताया होगा, इसका जिगरी दोस्त हूँ। तुम्हारा नाम? अशोक। तुमसे किसने पूछा? ब्लडी फूल, बताइए ना। शांति। अच्छा नाम है। देखिए ये लड़का जो है बहुत अमीर घर का है, और पैसे वालों के पास दिमाग थोड़ा कम होता है। इसके पास तो दिमाग नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो है ना। यही यही अच्छे घर की निशानी है। कितनी जल्दी समझ गई। हमारी जो लक्ष्मी है ना, उसने बछड़ा दिया है। हाँ ये लो मिठाई। काउ बॉय। नाइस बॉय। शादी कब करेगा? ये तो तेरे हाथ में,
वो कैसे? मैंने पहले ही कहा था, जिस दिन तेरी शादी होगी उसी दिन मेरी भी शादी होगी। तोता, साहब जी के लिए एक बढ़िया सा लिफाफा निकालो। आओ आओ, आ जाओ, पास आओ। इजी इजी इजी, सबर रख, पता चल जाएगा। अच्छा तो सुनो भाई रणबीर, आप पर श्री राग बंदर का आशीर्वाद रहेगा। दोस्ती के लिए जान दे सकते हो, जिस पर हाथ रख दोगे वो स्वाहा हो जाएगा। ओ पंडित जी, ये सब बातें हम जानते हैं, इनकी शादी के बारे में क्या लिखा है वो बताओ। बताता हूँ। आपका शुक्र बहुत शक्तिशाली है, सुख में कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके हिसाब से गुरु आपके घर में बैठा है, जिसकी वजह से शादी के बारे में सोचना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई अगले 6 महीने तक आपको नारी बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकती है। अगर लड़कियां आपके पास आए तो आप उनसे बहुत दूरी बना के रखो। शुभम शुभम शुभम। भाई रणबीर, इसने तो मेन मैटर में ही लोचा कर दिया। तो अब क्या किया जाए? अब तो 6 महीने तक तुझे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आज से तू पूरा सावधान रहना। हा? ब्रदर, तेरे सामने कब कोई लड़की समस्या बनकर आ जाए इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सिंगल टी और कप टी, मलाई टी और मसाला टी? नो थैंक यू, चाय नहीं चाहिए। ये एड्रेस बता देंगे प्लीज? एड्रेस? अंग्रेजी में लिखा है तो, इसलिए मैडम मेरे पास आई है। अच्छा अच्छा। NASAMANI PONIA ना समानी पोनिया, ये एरिया तो यहाँ पर है ही नहीं मैडम। क्यों आप इंग्लिश को उल्टा सुलटा पढ़ रहे हैं? ना समानी पोनिया नहीं लिखा है सर, ने समानी पोनिया लिखा है। सॉरी, इंग्लिश में बात तो कर सकता हूँ पर पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ने समानी पोनिया एकदम करेक्ट लिखा है मैडम, एकदम। ये स्ट्रीट कहाँ है आप मुझे बताएंगे? अरे रे 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 रे, उस जगह का रास्ता बताना तो बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए तो आपको 2 बार गणपति मंदिर का चक्कर लगाना पड़ेगा। वहाँ एक नैरो लाइन को पार करना पड़ेगा, बहुत ही कठिन रास्ता है। अरे रणबीर, देखो मैडम, वो जो जा रहा है ना, उसका नाम रणबीर है। उसके घर के सामने वाली ये गली है, तो आप उसके पीछे पीछे चली जाओ, आप पहुंच जाओगी। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। थैंक यू। वेलकम मैडम, रणबीर को फंसा दिया मैंने। सर, रणबीर सर। क्या कहा, आपको कुछ चाहिए क्या? जरा ये एड्रेस पढ़ेंगे मेरे लिए? ओ, तो मुझे पढ़ना ये तो लड़की है यार। अगर लड़कियां आपके पास आए तो आप उनसे बहुत दूरी बना के रखो। सर, आपको पता है ना सर। अरे बाप रे। सर कहाँ भाग रहे हैं सर? रणबीर सर, रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। सर कहाँ भाग रहे हैं? सर एड्रेस। आप किसे ढूंढ रही हैं मैडम? मैं एक आदमी से एड्रेस पूछ रही थी, वो बिना बताए भाग गया। एड्रेस क्या है? नेस मनी पोनिया। अरे रे, वो तो मेरे घर के सामने ही पड़ता है। आइए गाड़ी में बैठिए, आपको मैं लेके चलता हूँ। आप बैठिए ना मैडम। आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? जल्दी ही समझ जाओगी। अरे सुनो, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? सर, मुझे बचा लीजिए सर प्लीज। क्या मैं अपने डब्बे ले लूं? जा जल्दी से ले ले। अरे रुकिए।
रुकिए रुकिए। भाई साहब जरा सुनिए, ये लड़की एड्रेस पूछते पूछते मेरे पीछे पीछे आई थी, अगर आप लोगों ने इसके साथ गड़बड़ की तो ये इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। ए, चल निकल। देखिए भाई साहब, इसने पैंट शर्ट पहनी है तो अच्छा लड़का समझकर ही छोड़ दीजिए। तुम ही हो इसकी वजह, तुमने एड्रेस बता दिया होता तो ये लोग मेरे पीछे नहीं पड़ते। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए मैं एड्रेस बताता हूँ। छूना मत, छूना मत, छूना मत, इसे मत छूना। छुआ तो क्या करेगा? नहीं तो दोबारा नहीं छुपाएगा। नहीं छुपाऊंगा। रुको, भाग कहाँ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेली लड़की को सात लोग छेड़ते हो? तुम अकेले छेड़ोगे क्या? ए, मैं ऐसा नहीं हूँ, दोबारा देखे तो छोड़ूंगा नहीं। तुम बोलो कहाँ जाना है? नेसमनी पोनिया। जोर से बोलो ना। नेसमनी पोनिया जाना है। चलो। पंचर। अरे पंचर, गजब हो गया, मुझे बचा लो यार। तुम्हें याद है पंडित के तोते ने क्या कहा था? वो सच निकला, एक लड़की मेरा पीछा कर रही है। डोंट वरी, वेट 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 वेट। यस मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे गुंडों से बचाकर इन्होंने अच्छा काम किया तो फिर ऐसे भागकर क्यों आ गए? इज ही अफ्रेड? अफ्रेड? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, नो अफ्रेड। मैडम जी, ये किसी से नहीं घबराता, ये तो बहुत बड़ा भाई है। भाई है? भाई मतलब प्रिंस। प्रिंस? ए, प्रिंस का मतलब क्या है? दूध वाला है? आर यू अ प्रिंस? यस। अब क्या करें, अंग्रेजी में बात करी तो निकल यहाँ से। जा जा। आप इसे प्रिंस तो कह रहे हैं, बट ही इज वेरी सिंपल। यस, ही इज वेरी सिंपल लाइक मी, बट उसका जैसा तन है उससे अच्छा मन है। मैडम, वो एक दिन में कम से कम 70-80 जिंदगियों की अपने हाथों से देखभाल करता है। इज इट? क्या उनकी फैमिली इज अ वेरी बिग फैमिली? हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहते हैं ना, सारे के सारे मेंबर्स एक ही तम्बू में रहते हैं। व्हाट? आई मीन टू से वन रूफ। इज इट? और नहीं तो क्या, उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी है। वहाँ 2 एकड़ की जमीन है जिसकी कीमत है 50 करोड़। वहाँ सभी के सभी क्रिकेट खेलते हैं। Who plays cricket? सभी के सभी, जो भी उसकी फैमिली में है। उसके फैमिली मेंबर्स गांव में घुसते ही सब पर लात मारते हैं और भैंस की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। Oh, I see. अरे मैडम, चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो तो प्रिंस है। सारे लोगों को लाइन में खड़ा करके सबकी एक साथ वाट लगा देता है वो, समझ गई ना आप? प्रिंस? नहीं, बाहर चलना। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। अरे बाहर चलना। नहीं यार, छोड़ो ना। अरे छोड़ो। देख कैसा दिख रहा है तू? नहीं, आजा जा, आजा। ये कौन है? कैसा लग रहा है? जैसे किसी भैंसे को नहला धुलाकर चकाचक कपड़े पहना दिए गए हो। अरे चुप, राजकुमार लग रहा है, देख ले। अच्छा, ये सब किया किस लिए?
आज मैं तुझे एक पार्टी में ले जा रहा हूँ, वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होंगी तुझे देखकर बेहोश हो जाएंगी। अच्छा तो चलो 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 चलो। तुम जिसकी बात कर रही हो उसे हम भी मिलना चाहते हैं। हे, देखो वो वही है। गुड इवनिंग सर। प्रिंस, प्रिंस, यस। तुम जिसकी बात कर रही थी क्या यही प्रिंस है? यस। Thank you, Prince. Thank you. Thank you. Thank you, Prince. दूध दूध। घर में कोई नहीं है क्या? ए, उठ ना जल्दी। क्या है? आज तेरा टर्न है जाके दूध लेने का। जा ना जल्दी, कब से बेल बजा रहा है। तू मेरे लिए दूध ले लेना, मैं सपना देख रही हूँ। सपने को पॉज मार और जाके जल्दी से दूध लेके आ, नहीं तो मैं वार्डन से बोल दूंगी। जल्दी से ले लो, मुझे और भी जगह जाना है। हाँ रुको, मैं आती हूँ। नमस्ते प्रिंस। यस। तुम दूध लेकर क्यों आए हो? माँ की तबीयत खराब है इसीलिए आज मैं ही सबको दूध देने निकला हूँ। तुम दूध वाले हो क्या? आप चौंक क्यों रही हैं? अरे मैं तो खानदानी दूध वाला हूँ, मेरे दादा परदादा सब दूध बेचते थे। और इतना ही नहीं, मेरे तबेले में पूरी की पूरी 40 गाय और एक बैल भी है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? To meet me, you have come in disguise, no? Yes. Yes. चलता हूँ। Bye. चोर, 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 पकड़ो, पकड़ लिया, पकड़ लिया। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे देखो वो भाग गया, जाओ जल्दी पकड़ो, जाओ। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चोर तो उस तरफ भागा। अरे सर, कुर्ता उसी रंग का पहना, ये उसी ग्रुप का होगा। उसी ग्रुप का तो देख लो, कर लो तलाशी। चल हाथ ऊपर कर। मुझे चोर कहता है। अरे सर, ये मेरा है सर। रामू तू है? हाँ मैं ही हूँ। सर मैं कुछ नहीं जानता, उसने मेरी जेब में डाल दिया होगा। होशियार बनता है, चल अभी। अरे सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगा। अरे मिनिस्टर, मिनिस्टर, चोर भी है क्या? रणबीर, ये चोर है, दूध वाला है या प्रिंस है? जो भी है, जैसा भी है, मेरा है। बेटी देखो तो क्या हो रहा है? हे भगवान, ये क्या है? रणबीर बेटा, भैया जल्दी बाहर आ जा, हमारी जगह पर कोई जबरदस्ती झोपड़ा बांध रहा है, देख तो बोर्ड भी लगा दी है। अरे ये लोग कौन है, जरा जाके पूछ तो। नमस्ते भाई साहब। हाँ हाँ। आप ये मेरी जगह पर किससे पूछकर बोर्ड लगा रहे हैं? अरे पूछना किससे है, अगर हमारा नेता चाहे तो कहीं पे भी झोपड़े लगवा सकता है, किसकी हिम्मत है जो उन्हें रोक सके। कौन है आपके नेता? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, खुद ही पढ़ ले। नेताजी, कंटिन्यू। ये क्या कह रहा है भैया? लगता है इसका दिमाग खास चलने गया है। ए रणबीर, हमारे क्षेत्र के लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं हमें जरा बताओ। एमएलए काम्बरम अभी तक मंत्री क्यों नहीं बने ये कहते हैं। देखो पीए, इस एमएलए पर अपने इलाके के लोग कितना अभिमान करते हैं। अच्छा बताओ, सेंट से गोबर की बदबू आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। पता नहीं आपने ये सेंट कहाँ से खरीदा है, तबेले की बदबू आ रही है इसमें से। तुम्हारा नाक खराब है, ये फॉरेन से खरीदी है।
अरे यार, क्या सच में इसमें से गोबर की बदबू आ रही है? बदबू तो इसी में से आ रही है, बहुत तेज बदबू है सर। ओहो, अरे रे 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 रे, अरे ये क्या है? घर में किसने तबेला बना दिया? ये किसके हरकत है भाई? जी मेरी है, रणबीर। और सर मैं हूँ पंचर, और सब मुझे पंच पंच कहकर बुलाते हैं। नमस्ते साहब। ये सारी की सारी आप ही की हैं? योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली। भाई मैं दूध निकालता हूँ। अरे काम सी होने दो या फांसी होने दो, अभी बताता हूँ मैं तुझे, अभी आता हूँ। अरे बाप रे, ए लक्ष्मी क्या कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। माफ कर दीजिए, इसे गुस्सा जरा ज्यादा आता है। इसके मालिक को यानी कि मुझे, रणबीर को, अगर किसी ने कुछ कहा तो ये फाड़ के रख देती है। अब जानवर है, एमएलए एमपी, इनकी कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक कहा ना पंचर? सुपर पंच, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे घर में आकर मेरे ही घर को अपना गंदा सा तबेला बना दिया? आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। विधानसभा में पूछने वाला सवाल है। गाय बांधकर मैंने आपके घर को तबेला बना दिया, गलत बात है। लक्ष्मी जरा हटो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने मेरी जगह पर अपने लोगों से बोलकर एक झोपड़ा बनवाया, वो भी बिना मुझसे पूछे, ये भी तो गलत है ना? ठीक है, आपने बना लिया, आप बड़े लोग हैं, ऐसी गलती करना आपकी आदत है, कोई बात नहीं। मेरी जमीन पर आपने झोपड़ा बना दिया, मैंने आपके घर को तबेला बना दिया, सही किया ना पंचर? ये तो रणबीर का पंच है। हाँ। अरे रे रे रे, आपने रणबीर पर हाथ उठाया, अब तो आपका बैंक बच के रहेगा। यहाँ पर कोई है क्या? अरे सब कहाँ मर गए? जल्दी आओ यहाँ। हाँ मालिक। इसे तुम लोग अंदर क्यों आने दिए? आपके साथ फोटो खींचनी है, यही बोलकर रणबीर सबको लेकर इधर आया मालिक। हाँ मालिक। कूफों, इसे और इसके जानवरों को मारकर बाहर निकाल दो। अरे रुको रुको, रुक जाओ। तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ, पर अगर मेरे जानवरों को हाथ लगाया तो क्या कर लेगा? मारो इन्हें, देखता हूँ ये क्या करता है। रणबीर, किसी को छोड़ना मत, सबकी टांगे तोड़ देना। अरे वाह रे वाह रे, पिछवाड़े ने ऐसी लात मारी है कि अब मुझसे बैठा नहीं जाएगा। Oh!
क्यों, और कोई है? है तो भेजो, उसे भी देख लूंगा, समझा क्या है? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, देख लिया ना? तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे 15 लोगों को धूल चटा दी। मेरे घर के सामने बनी हुई झोपड़ी को उखाड़ने में मुझे कितनी देर लगती? चुटकी में उखाड़ देता उसे। अपने काम से काम रखता हूं और शांति से जीना चाहता हूं मैं। मुझे छेड़ना मत, अगर मुझे छेड़ा तो इसके आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम्हें क्या लगा मेरी जमीन पर तू झोपड़ी बनाएगा तो मैं किसी मंत्री के पास भीख मांगने जाऊंगा? लेकिन मैं अलग तरह का आदमी हूं, न्याय के बदले न्याय, मार के बदले मार, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। तुम हर साल स्टेज पर गांधी और नेहरू का नाम लेकर भाषण देते हो और हर साल उन्हें हार भी पहनाते हो, लेकिन क्या कभी एक बार भी तुमने उनके सिद्धांतों के बारे में सोचा है? वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़कर आ जाते हो, जीतने के बाद भूखा मारते हो। दरअसल गलती हमारी है जो तुम्हें वोट देते हैं। तुम्हें तो वोट देना ही नहीं चाहिए। अगर हमारा भला नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो। पैसे कमाने के लिए हजारों तरीके, हजारों काम है, कम से कम उसके लिए राजनीति का इस्तेमाल मत करो। मैं दूध वाला हूं, अनपढ़ गवार हूं, हद पार कर दियो, कुछ बुरा कह दिया तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। चलिया चलिया हाजिर। सर आप बोले तो इसे। रणबीर जरा देखो तो वहां झोपड़ा गायब हो गया। रणबीर बेटा तुझे यकीन नहीं होगा, तेरे यहाँ आने से अभी थोड़ी देर पहले ट्रक भर के लोग यहाँ पर आए थे। उन लोगों ने यहाँ के लोगों से कुछ खुसुर खुसुर बातें की और उन झोपड़ों को तोड़कर अपना सारा सामान लेकर 9-2-11 हो गए बेटा। और पता है बेटा, जाते वक्त तुम्हारी माँ से माफी भी मांग कर गया। सच में माँ? हाँ बेटा, ये सब तूने कैसे किया? वो क्या है माँ? किया क्या, मैंने एक नहीं दो नहीं पूरे 15 लोगों को एंग्री मैन स्टाइल में बजा के रख दिया लेफ्ट राइट इन माय फाइट। तूने? और नहीं तो क्या। अरे ये गाड़ी किसकी है? नमस्ते। हाँ नमस्ते। क्यों भाई रणबीर, अजीब लग रहा है ना कि झोपड़ी खुद ब खुद कैसे हट गई? ये तुम्हारी माँ है क्या? हाँ मेरी माँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। रणबीर आज तुमने एक बात कही थी, पैसा कमाने के लिए हजारों रास्ते हैं, हजारों काम हैं, ये सब छोड़कर इस राजनीति का तुम गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वो बात मेरे दिल को छू गई। अगर ये बात आज से 10 साल पहले मुझसे किसी ने कही होती ना तो ये एकाम्बरम पहले ही बदल जाता, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसी वक्त से ये नया एकाम्बरम सच्चा नेता बनकर इस इलाके का भला करेगा। सुनो पिए, हमारे लोगों ने जहाँ जहाँ भी झोपड़े डाले हैं उन्हें तुरंत हटाने को बोलो। ठीक है सर। रणबीर भाई जी, मेरी मदद की जरूरत पड़े ना तो तुम किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हो, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। हाँ। नमस्ते। 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 माँ जी। जी साहब। अगर औलाद हो ना तो तुम्हारे बेटे रणबीर जैसा हो। चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड न्यूज। बाय। शांति जरा मेरी केबिन में आओ। पूरा स्टाफ जा चुका है? हाँ सब चले गए। आई हैव ए वेरी गुड न्यूज फॉर यू। क्या न्यूज है? होटल एसोसिएशन ने मुझे प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट किया। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओह छोड़ो ना, सुधीर ने देख लिया। अरे सुधीर ने देख लिया? उसने देखा? बहुत ही अच्छा हुआ। मैं इस बारे में पिताजी से कुछ भी कहने से डर रहा था, अब ये बात उनके कानों तक पहुंच ही जाएगी। जी 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 जी। कितने दिनों से ये चक्कर चल रहा है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको बताने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक मामूली पीए से प्यार करता है, क्या ये शोभा देता है? पीए को प्रेमी बनाकर रखना अच्छी बात नहीं है। आप कुछ भी करके अशोक को समझाइए। समझा सकता हूँ पर अशोक बहुत जिद्दी है। एक काम करो। हाँ। मैं दिल्ली से लौटूं इससे पहले इस लड़की को रास्ते से हटा दो। शहर से या दुनिया से? जो तुम्हें ठीक लगे, पर हाँ अशोक ना जानने पाए। समझ गया। क्या है ना, तुम्हारे इस काम के बाद अशोक की शादी तय करेंगे। वो अपनी प्रेमिका को ढूंढेगा
जब वो उसे नहीं मिलेगी तो कुछ दिन तक देवदास बनने के बाद शादी कर लेगा। तो मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा? कमाल का आइडिया है माली। इसमें कमाल वाली क्या बात है, सभी पैसे वाले तो यही करते हैं। ये करना सही होगा, प्लस माइनस करो हिसाब सही आएगा। हाँ। अशोक बेटा, तुम अपने पिता के इकलौते बेटे हो, वो तुम्हारी शादी पूरे शहर के सामने बड़े ही धूमधाम से करवाना चाहते होंगे बेटा। लेकिन अगर तुमने उन्हें बिना बताए शादी की तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। माँ, आप मेरे पिताजी को अच्छी तरह से जानती हैं। जायदाद, स्टेटस, इज्जत, औकात, ये सब उनके लिए मायने रखती हैं। शांति के साथ मेरी शादी के लिए वो कभी तैयार नहीं होंगे, मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वो सब तो ठीक है, जब उन्हें पता चलेगा कि ये शादी हमने करवाई तो वो हमसे भी बहुत ही नाराज हो जाएंगे बेटा। ठीक है माँ, मैं और शांति किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। रुक जा बेटा, इस तरह से मत जा। हमारे होते हुए तो अनाथ की तरह शादी करना चाहता है, जो होगा देखा जाएगा। रणबीर। हाँ माँ। बेटा, तू अशोक के साथ जाके शादी का सारा इंतजाम कर, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अशोक, तेरी शादी हो रही है? दिल्ली का काम खत्म भी नहीं हुआ और तुमने मुझे अर्जेंटली बुला लिया, बात क्या है? आपके प्लान को आपके बेटे के दोस्त ने पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया है। मालिक, रणबीर एक शेर की तरह है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मैंने कुछ आदमियों का इंतजाम किया है। पीछे देखिए। मेरे पिताजी लंदन की एक लड़की से शादी करने वाले थे। Finally he married to a Tamil girl and I born from there. It's okay. Happy marriage life, many many happy marriage life. चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। It's okay. रणबीर, अशोक के पिताजी आए। थैंक यू पिताजी। बेटा रणबीर जी, शादी तो करा दी, नया हिसाब शुरू हो गया, प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं हिसाब बराबर होता है कि नहीं। मालिक, आप तो शादी रुकवाने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाकर आप तो आशीर्वाद देकर आ गए, आपने ऐसा क्यों किया मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। Hey, मेरे शांत रहने में भी एक हिसाब है। अरे मालिक, ये जगह तो रणबीर की है। ड्राइवर गाड़ी रुको। जी मालिक। सुधीर, शरीर में ताकत और गुस्सा हो तो मारपीट कर सकते हैं, जुबान में ताकत हो तो बहस कर सकते हैं, पर सबसे खतरनाक जब दिमाग में ताकत हो तो हिसाब बराबर कर सकते हैं। जरा ठीक से समझाएंगे। रणबीर की जगह पर अगर हम एक 5-स्टार होटल खोल दें तो कैसा रहेगा? क्या बात कही है, समझ में आई दिमाग की ताकत। लेकिन मालिक, रणबीर ये जगह कभी किसी को नहीं बेचेगा। मैं मजबूर कर दूंगा। मालिक, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। प्लस माइनस करके देखो, हिसाब बराबर होगा। क्यों रानी, अपनी ब्यूटी क्वीन अभी तक तैयार हुई या नहीं? कहां यार, उसके नहाने तक तो फिल्म भी खत्म हो जाएगी। चलो हम चलते हैं। कहाँ है सांप? अरे कितना बड़ा सांप है, क्या करें हम लोग? दूध वाला आया, दूध ले लो। दूध क्या कहा? सांप है, सांप। अरे भैया जल्दी से अंदर आओ। हाँ जी, मुझे बुलाया क्या? यहाँ पर सांप है। सांप है? अरे कोई है, सांप है, सांप। अरे अंदर आओ ना। देखिए कहाँ फंस गया मैं।
अंदर सांप है। सांप, 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 सांप है, बचाओ, बचाओ, अरे सांप है, सांप, सांप, यहाँ पर सांप है, सांप। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या करेगा? देखो सांप हमें काटेगा, ये हमारा डर है, और हम उसे मारेंगे, ये सांप का डर है। क्या करो? मंत्र पढ़ो, वो चला जाएगा। हाँ, हे नागराज, इन लड़कियों के सामने मेरी इज्जत रख ले। तुझे कल मटका भर के दूध पिलाऊंगा, मेरी आंख खुलने से पहले चला जा, ए नागराज। ये क्या हो गया? देखो कैसा खेल रहा है। मैं शंकर भगवान का रूप लगता हूँ ना, इसलिए। ये तो मेरा दोस्त है नागराज, निकल जा। कहाँ जा रहा है? अरे निकल जा मेरा दोस्त, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। ये तो मेरा दोस्त बन गया। अब मेरा क्या होगा? मारेगा? कहाँ पर है सांप? अच्छा हुआ चला गया, सांप भाग गया। देख लिया। क्या कह रहे हो? सांप तो चला गया। तो तुम रो क्यों रहे हो? वो गोरी गोरी खूबसूरत लंबे बालों वाली, क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, वो बाथरूम में नहा रही थी और मैंने उसे देख लिया। अरे मैडम जी, क्या हुआ भैया? सांप तो चला गया ना? सांप चला गया। फिर रो क्यों रहे हो? वो मोटी खूबसूरत लंबे बालों वाली, क्या नाम है उसका? लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, उसे मैंने नहाते हुए देख लिया। अरे रे रे रे। ए सुनो। देख लिया। रणबीर, देख लिया। ये तो देख लिया, बार बार जाप कर रहा है पंचर। हाँ, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब क्या हादसा हो गया भाई? आज मैं लेडीज हॉस्टल में दूध देने के लिए गया था और वहाँ एक सांप आ गया। उन लड़कियों ने मुझे सांप को पकड़ने के लिए कहा। मैंने कोशिश की पर वो भागकर बाथरूम में घुस गया। मैं भी पीछे पीछे बाथरूम में चला गया। वहाँ पर एक लड़की नहा रही थी और मैंने वहाँ पर वो सब कुछ देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। ये तूने क्या कर दिया भाई? अब तेरी खैर नहीं है। देख लिया। अब इसका क्या होगा? सुनिए मिश्रा जी, आज मैं लेडीज हॉस्टल। देख लिया। तुम में कोई अकल नाम की चीज है या नहीं? तुमने जो कुछ भी देखा उसके बारे में ढिंढोरा पीटोगे? लड़की होने के बावजूद मैं चुप बैठी हूँ, तुम चुप नहीं रह सकते क्या? आप चुप रहेंगी तो मैं भी चुप रहूँ क्या? देख लिया। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया बताओगे? जो कुछ भी मुझे नहीं देखना चाहिए था। अरे चुप क्यों नहीं हो जाते? फिर तो तुम मेरे पति हो। क्या? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या कहा? हिंदी में आई लव यू का मतलब जानते हो? मुझे नहीं पता, पंचर से पूछता। ए पंचर, ये कहाँ चला गया? अब क्या करूँ? इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इंग्लिश में किसका मतलब जानते हो? इंग्लिश में सिर्फ यही जानता हूँ। जानते हो? ये क्या है? किस कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? माँ चिल्लाएगी। अशोक, आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटिंग दैट आवर होटल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द वेन्यू ऑफ द अपकमिंग फाइव नेशन मीटिंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर एंड प्रेस्टीज। अशोक, चल मेरे साथ। आ, एक जरूरी मीटिंग है, उसे खत्म करके आता हूं। उसे भी जरूरी है, जिंदगी का सवाल है। चल आ। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई विल जॉइन यू लेटर। जॉइन लेटर।
ये क्या हो रहा है मालिक? इन सब बड़े लोग वीआईपीयों के सामने, वो दूध वाला अशोक को खींच कर ले जा रहा है और आप खड़े होकर मुंह देख रहे हैं। वो नहीं देख रहा था, कुछ सोच रहा था इस रणबीर की मैं क्या हालत करूं। क्या मतलब? प्लस माइनस करो, हिसाब बराबर आएगा। बैठ जाओ। कहाँ है वो? तू वहां क्या कर रहा है? छी, शर्मा रहा है। इधर आ। मैं नहीं आऊंगा। कहा ना इधर आ। देख लिया। चल बैठ। बैठ। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। हाँ? लक्ष्मी। हाँ। और तुम्हारा नाम क्या है? है? नाम क्या है? तू मेरा नाम नहीं जानता? नीचे बैठ। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे। रणबीर। चक्कर कितने दिनों से चल रहा है? एक दिन बाथरूम में सांप घुस गया था। बाथरूम में क्या घुस गया? चुप करो, मैं बताती हूँ। थोड़े दिनों से जैसे हीरो हीरोइन को चार गुंडों से बचाता है, उसके बाद हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है, वैसा ही प्यार, क्यों है ना? नहीं नहीं, मैं इसे दिल से प्यार करती हूँ। इससे? हे, जरा दूर जाना तो। हैं? बोला ना, दूर जा। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बस बड़े होने का थोड़ा सा ड्रामा किया, इस लव की गहराई देखना चाहता था। मेरा फ्रेंड रणबीर है ना, बहुत ही सीधा और सच्चा है, बिल्कुल एक हीरे की तरह। आपने उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। रणबीर, चले जरा। माँ से बात करके अगले मुहूर्त में तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। अशोक। जानते हैं, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान न करे इस मुस्कुराहट पर किसी की भी नजर लगे। आप आज जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहिएगा। मुझे पैसा, जायदाद, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं चाहिए। सच में मुझे सिर्फ आपकी खुशी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी यूं ही आपकी बाहों में बीते। भगवान से यही मन्नत मांगूंगी कि हर जन्म में आप ही मेरे पति बने और मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सुख मिले। अरे भाई, इस सूटकेस के अंदर लाखों रुपए हैं। रणबीर, ये लोग यहाँ तेरी जमीन खरीदने आए हैं। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? वो तुम्हारे बाजू में जो एक पागल रहता था ना, क्या नाम था उसका, वो परम शिवम, उसने 10 बीघा जमीन बेचकर पैसा बैंक में जमा करके टूटी साइकिल छोड़ के आज लाखों की कार में घूम रहा है। मेरे भाई रणबीर, माँ ने कहा था कि घर को बेचना नहीं चाहिए, पर जमीन के बारे में थोड़ी कहा था। आज तेरे पास 20 बीघा जमीन है, वो भी मेन रोड के पास। ये तो गोल्ड माइन जैसा खजाना है, क्यों नहीं समझता? मैं तुझे सारी जमीन बेचने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बस उसमें से 10 बीघा बेच दे तो तुझे मिल जाएंगे 80 लाख। और गाय भैंसे कहाँ बांधेंगे? इस जगह पर बहुत बड़ा टावर बनाकर एक फ्लोर पर गाय भैंसों को बांधकर एसी लगा देंगे हम। एसी मिलने की खुशी में सारी गाय भैंस ज्यादा दूध देगी और तेरी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगी, आने जाने वाले लोग भी इज्जत करेंगे। देखिए, इसने अनजाने में आपसे कुछ कह दिया होगा, मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी, आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर रणबीर, अच्छी ऑफर दे रहे हैं, आप चाहो तो 1 बीघा पर 2 लाख और बढ़ा देंगे। आती लक्ष्मी को कोई ठुकराता है भला? पैसा अगर हिसाब से हो तो हमें बचाता है, लेकिन जैसे ही वो हिसाब से बाहर होता है तो हमें पैसों को बचाना पड़ता है। टेंशन शुरू, शांति खत्म हो जाती है, मैं सब जानता हूँ। फिलहाल पैसा तो हमें बचाता है, आप जाइए। रणबीर जी सुनिए, मेरे बेटे ने एक बार मना कर दिया ना, तो फिर आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं? पंचर, इन्हें बाहर छोड़ कर आ। अच्छा बेटा, एक गाय है जो बहुत दिन से चारा नहीं खा रही है, उसे प्यार से ये लोग मानते तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। हम चाहे तो इन्हें धमकी देकर भी ये जमीन खाली करवा सकते हैं, फिर ये हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे।
अगर दोबारा किसी की जुबान पर जमीन खरीदने की बात आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर डिजाइन एक से बढ़कर एक है, मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही सिलेक्ट करो ना। नो नो, तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। दिस वन, गुड चॉइस, एक्सलेंट चॉइस। हाँ बहू, मैंने सोचा था कि अशोक की शादी में इसे बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, पर उस वक्त हालात कुछ अलग ही थे। तुम दोनों के पसंदीदा इस मॉडल को अगर 5-स्टार होटल बना दिया जाए और अशोक को वेडिंग गिफ्ट दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? आपने सही कहा, सभी लोग बस देखते रह जाएंगे। बिल्कुल सही, तो अभी जाओ और इंतजाम शुरू कर दो। समझ लीजिए इसी वक्त शुरू कर दिया, लेकिन एक दुविधा है। क्या? अच्छा, उसकी बात कर रहे हो। क्या बात है पिताजी? कुछ नहीं बेटा, बिल्डिंग का प्लान रेडी है और फाइनेंस भी रेडी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? इतने बड़े होटल बनाने के लिए जमीन की प्रॉब्लम है। मैंने एक जगह देखकर ओके किया था, लेकिन सरकार ने उसे किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया। फिर जमीन के लिए हम क्या करेंगे? ऐसी जमीन तो एक के पास है, लेकिन भरोसा नहीं है कि वो मिलेगी भी। जमीन किसकी है? वो जमीन छोड़ो बेटा, वो नहीं मिलेगी, हम कोई और देख लेंगे। पहेलिया मत बुझाइए, बताइए ना किसकी। अरे तुम ही बता दो। रणबीर, आपका जिगरी दोस्त रणबीर। रणबीर की? हाँ पिताजी, उसकी तो सच में बहुत बड़ी जमीन है। जमीन बड़ी होने से कुछ नहीं होता बेटा, उसे देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। पिताजी, अगर मैं रणबीर से बोलूं तो मना नहीं करेगा, आप जमीन की चिंता छोड़िए। मालिक, हिसाब सही होगा क्या? प्लस माइनस करके देख, हिसाब बराबर होगा। कमाल है। क्या अशोक, कब से देख रहा हूँ कि तू जमीन को ऐसे घूर रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। बस यूं ही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 5-स्टार होटल बने तो कैसा लगेगा। तो बहुत ही बुरा, बेकार और गंदा लगेगा। इससे तो तबेले और घर की खूबसूरती चली जाएगी। पता है कितने लोग यहाँ आकर चले गए जिन्हें यहाँ पर होटल और बिल्डिंग बनानी थी? मैंने उन सबको भगा दिया। ये बता, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे सालों से जानता हूँ, तेरे दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और। बता क्या बात है। कुछ भी नहीं रणबीर, मेरे पिताजी यहाँ पे एक 5-स्टार होटल बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। बहुत सारी जमीनें देखी उन्होंने लेकिन पसंद नहीं आई, लेकिन ये जगह उनके दिल को बहुत भा गई है, इसीलिए तुमसे बात की। होटल बनेगा इस जगह पर, तेरे नाम का। अरे बनाना। हाँ बनाना भाई, बना। ये तो खुशी की बात है, मेरा क्या है, बस इस घर और तबेले को छोड़कर पूरी जगह तेरी है, होटल बना। देख मेरे भाई, तेरे पिताजी दिमाग वाले हैं, एकदम हिसाब किताब वाले। बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई और उनका वो धंधा जो है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, बिजनेस। हाँ बिजनेस, बिजनेस के जरिए तुम्हें जमाने का प्लान किया है। बना, कल से ही काम शुरू कर दे। ठीक है भाई, लेकिन तू तो कह रहा था कि ये जगह किसी को नहीं देगा। अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, कोई दूसरा इस जगह को खरीदने की बात तो क्या, नजर भी उठाए तो आंखें फोड़ दूंगा। पर तू कौन है? तू मेरी जान है, तू मेरा भाई है, पूछने की क्या बात है। बना होटल, वो देख रहा है, इस बिल्डिंग से भी बड़ी बिल्डिंग बनाना और उसका नाम रखना अशोक होटल। हाँ चलो, ये खुशखबरी है, माँ को सुनाते हैं। क्या है बेटा? अशोक ने एक बात बताई जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा नाचने का मन कर रहा है, लेकिन ये मच्छी क्यों बना रही है? अरे बेटा, मच्छी की बात छोड़, पहले खुशी की बात तो बता। सुनना चाहती हूँ। श्रीमान राजीव और उनकी पत्नी श्रीमती कामिनी के बेटे श्री रणबीर की जमीन पर श्रीमान गंगाधर और श्रीमती लक्ष्मी के बेटे श्रीमान अशोक जी एक बहुत बड़ा होटल बनाने जा रहे हैं। क्या कहा? क्या अशोक होटल बनवाएगा? सच में भैया, हमारी जगह पे। माँ, आपकी परेशानी खत्म, अशोक भैया के होटल में खाएंगे। क्या बात है, तुम दोनों ने तो फौरन पार्टी बदल ली। जरा एक मिनट सुनना। हाँ हम लोग अभी आए। तुझसे दूसरी बात भी कहनी थी। दूसरी बात? वो क्या है? वो पैसों की बात। पैसे की बात? पैसे की बात क्या, मेरी को समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कहूँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। उस जमीन की जो कीमत होगी तू ले ले। क्या कहा तूने? तू इस जमीन की मुझे कीमत दे रहा है, पैसे देगा तू? देख भाई, बिजनेस अलग है, दोस्ती अलग है, ये व्यापार है। काय का व्यापार? कैसा है ये व्यापार?
एक घूसा मारूंगा तो सारे दांत निकल आएंगे। ये सब क्या है, हाथ उठाने की बात क्यों कर रहा है? क्या तू बच्चा है जो अभी भी लड़ाई करेगा? माँ तुम हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, इसे कभी कुछ नहीं कहती। पता है इसने क्या कहा? क्या कहा तूने बेटा? इस जमीन के लिए पैसे की बात कर रहा है। पैसा? और क्या कहता, हमें पैसे लेने होंगे। देखो ना माँ, मैंने पूछा तो कहता है ये व्यापार है। चुपचाप क्या खड़ा है, अब बताने क्या हुआ? अरे रुक ना माँ, आप ही से समझाइए, मेरी बात तो ये समझना ही नहीं चाहता। इसमें समझाने वाली क्या बात है बेटा, जैसे रणबीर मेरा बेटा है तू भी तो मेरा बेटा है। तू होटल बनवाएगा वो किसकी जगह है? तेरी ही तो है ना। अपनी जगह कोई पैसों से खरीदता है भला? इसका नाराज होना जायज है। मैंने सही कहा ना माँ? बिल्कुल, लेकिन माँ मुझे कुछ नहीं सुनना, पैसों की बात बिल्कुल मत करना, बाकी की बातें कर सकता है। सुन, चुप रहो, माँ ने कह दिया ना अब पैसे की बात नहीं होगी। हाँ। माँ खाना तैयार है? कब से तैयार है? चलो आओ, जब देखो पैसे की बात करता रहता है। बस बस बहुत हो गया। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत कम खाना खा रहे हैं। खुशी है, खुशी की वजह से पेट भरा हुआ है। किस बात की खुशी पिताजी? अरे भाभी जी, मालिक को अपनी मन पसंद जगह बिना पैसे दिए मिल गई, इस खुशी की वजह से उनकी भूख मिट गई। अशोक, तुमने जो चाहा हासिल कर लिया। यू आर रियली अ ग्रेट बिजनेसमैन। नो डैड, आई एम नॉट ग्रेट, रणबीर इज अ ग्रेट मैन। आपने उसके बारे में गलत कहा था, देखा आपने उसके लिए हमारी दोस्ती कितनी प्यारी है। दोस्ती पैसों से बहुत बड़ी होती है, ये बात आज उसने साबित कर दी डैड। यस, लाइफ में पहली बार मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। अब आप मेरा भी कैलकुलेशन ध्यान से सुनिए। रणबीर ने हमारे ऊपर पूरा भरोसा किया है, हमें भी उसके भरोसे पे खरा उतरना होगा। इसलिए मैंने एक अहम फैसला किया है कि जमीन तो रणबीर की है, होटल हमारा होगा, इसलिए जो भी मुनाफा होगा रणबीर को भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा, यानी कि 50-50। यू आर करेक्ट। मेरे हिसाब से तुमने जो सोचा है उसका एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। थैंक यू डैड। बेटा रणबीर, इस पे दस्तखत कर दो। अरे अरे ये क्या है, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैंने जो कह दिया वो करूंगा। आप मुहूर्त देखकर होटल का काम शुरू करवा दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? वो क्या है ना, ये मेरे लिए नहीं है, सरकार के लिए है। तुम्हें तो पता ही है, MMRDA है, कॉरपोरेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, दस्तखत नहीं हुए तो सरकार होटल बनाने के लिए परमिशन नहीं देगी। प्लस माइनस करो, हिसाब बराबर आएगा। रणबीर, मालिक का हिसाब समझ गया ना? ये हिसाब किताब मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि अशोक मेरा दोस्त है, ये किताबी हिसाब किताब आप लोग जानिए। बेटा रणबीर, तुम हम पर विश्वास करते हो वैसे ही हम तुम पर, लेकिन सरकार जुबानी बातों को नहीं मानती। जो कीमत इस कागज की है वो इंसान की नहीं है। अब जल्दी से इस पर दस्तखत कर दो। ओ, तुम तो अंगूठा लगाओगे। अशोक नहीं आया? अशोक वो मिनिस्टर से मिलने गया। हाँ, मिनिस्टर साहब से मिलने गया है। अच्छा सुनिए, इस पर तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो खाली कागज है। हाँ, क्या ये, तुमने इस पर मैटर टाइप क्यों नहीं करवाया? अशोक ने कहा था कि जाकर दस्तखत। अशोक को बीच में क्यों ला रहे हो, बेवकूफ, बेइज्जती किसकी हो रही है, कोई हम नया काम कर रहे हैं? बेटी तुम सही कह रही हो, सादे कागज पे कोई अंगूठा लगाता है क्या? टाइप करवा के लेके आओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? अशोक ने कहा तो अशोक के नाम पर ही होगा ना? अशोक के नाम पे ही होटल बन रहा है ना? होटल का नाम ही अशोक इंटरनेशनल होटल है। हाँ, बड़ी अच्छी बात। ये ले। प्लीज कम। अशोक, इतनी देर क्यों हो गई तुझे? तुम्हारा होटल अच्छे से चलना चाहिए ना, इसके लिए मन्नत मांगने गया था, ये ले। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अशोक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड ग्रोथ, बेस्ट विशेस फ्रॉम पंचर ऑफ पंच। ठीक है भाई साहब, माँ और कमला दोनों फंक्शन में नहीं आए? वो दोनों मंदिर में पूजा करने गई हैं, कल आ जाएंगी। मिनिस्टर साहब नहीं आए? आ रहे हैं, आएंगे तो उनके साथ फोटो खिंचवाऊंगा। आइए आइए। कुछ करना होगा सुधीर, देखो ना ये गमार फिर से आ गया, मिनिस्टर के आने का वक्त हो रहा है, अगर ये यहाँ रहा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पता नहीं क्या करेगा। इस गमार को मैं देखता हूँ, आप पूजा शुरू कीजिए। होशियारी से पंचर, ऊपर देखो कितनी अच्छी लाइट लगी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग सुपर, मार्वेलस, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। क्या मतलब?
सारी लड़कियां वहां गाउन पहन के खड़ी है, तो मैं जरा उनसे अंग्रेजी में बात करके आता हूँ। हाय गर्ल्स। अरे अरे संभाल। रणवीर देखो ना, तुम्हारे दोस्त के होटल के मुहूर्त के वक्त किसी ने पानी फेंक दिया, कितना गंदा लग रहा है। अब क्या करें? बॉय कहाँ है? मैं साफ करता हूँ। हाँ अच्छा। आइए आइए मंत्री जी, आइए। नमस्ते नमस्ते। हाँ आइए इस तरह। हाँ आपकी मदद के बिना ये होटल नहीं बन पाता सर, कैसा लगा? होटल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्हाइट पेपर पर ब्लैक डॉट्स हो तो कैसा लगेगा, गंदा ना? ये क्या कह रहे हैं? आपके खूबसूरत होटल के पास जो एक तबेला है उसे जल्द से जल्द हटवाइए। हाँ आइए। नमस्ते गंगाधर जी, मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा, इतने बड़े होटल में जब वीआईपी लोग आएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, उसे जल्द से जल्द हटवाओ। सर आपको कुछ करना पड़ेगा सर, शेयर होल्डर भी इस बात से बहुत ही खफा है, वो चाहते हैं कि ये तबेला जल्द से जल्द हट जाए, आप कुछ कीजिए वरना परेशानी बढ़ जाएगी। बेटा अशोक, मिनिस्टर साहब का कहना है कि उस जगह को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए, तुम्हारा क्या कहना है? पिताजी उसके लिए हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, मैं रणबीर से बात करूंगा। मामूली सी बात के लिए असेंबली तक जाओगे क्या? रणबीर के घर को तोड़ देते? पिताजी वो घर उसके लिए मंदिर की तरह है, हम ऐसे फैसला नहीं ले सकते। रणबीर 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 तू यहाँ सफाई कर रहा है और वो लोग तुझे पूरी तरह से साफ करना चाहते हैं। क्या बक रहे हैं? अशोक उसके पापा तेरे घर को तोड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। अशोक अशोक मेरी बात सुनो, क्या जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ वो सही है? एक्सक्यूज मी प्लीज रणबीर, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर क्यों नहीं कह सकते, मुझे जवाब दो। रणबीर बाद में हम लोग बात करेंगे ना? मुझे बाद में कोई बात नहीं करनी है, मुझे अभी जवाब चाहिए, बोलो। देख मैं तुझे एक खूबसूरत बंगला बना कर दूंगा, तेरी शादी हो गई है, कल तेरा बच्चा भी होगा, यहाँ पे परिवार बसाना मेरे ख्याल से तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अपने घर परिवार की चिंता मुझे करनी है, तुम्हें नहीं अशोक, अपना घर तोड़ने की बात मैं किसी भी हालत में सहन नहीं करूंगा। तुम्हें सहन हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, एक दो नहीं 4.5 करोड़ में ये होटल बनाया है, इतने बड़े होटल के सामने तुम्हारा गंदा झोपड़ा और तबेला रहेगा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, समझ में नहीं आता तुझे? मवेशियों के गोबर और तेरे झोपड़े को देखकर कौन इस होटल में ठहरने आएगा? मेरे बिजनेस का क्या होगा, इस होटल का क्या होगा? अशोक अपने पिताजी से कौन चुप रहे हैं? उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं, मुझसे बात कर गंवार, आखिरी बार कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरा वादा है तुझसे, तेरे घर को तोड़ कर रहूंगा मैं। गंभीर कहाँ मर गए सबके सब, इसे धक्के मार कर निकालो। अरे अरे क्या करे, ए सुनो ए तुम क्या कर रहे हो, ए छोड़ो उसे, ए हटो यहाँ से, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। अगर किसी ने भी इसको छूने की कोशिश की तो मैं उसको बर्बाद करके रख दूंगा। ए तुम लोग आज जिसकी जमीन पर खड़े हो उसी की जमीन पर होटल बनाकर आज उसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो। ए तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे, खुद को बड़ा बनाने के लिए तुम लोग गरीब को छोटा बना देते हो, एक भले और सीधे साधे आदमी को धोखा दिया तुमने, मैं बंधुआ देता हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे। अशोक ने मुझे थप्पड़ मारा। अरे सांप के दांत में जहर होता है, पर इन पैसे वालों के तो पूरे के पूरे शरीर में जहर भरा है। तोड़ोगे ना तुम लोग, मैं भी देखता हूँ। ए इसके घर और तुम्हारे बीच मैं खड़ा हूँ, अभी तोड़ के दिखाओ। चल 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 अशोक ने चल ना छोड़ ना थप्पड़ मारा। गंवार कहीं का पूरी पार्टी खराब करके चला गया। मैंने पहले ही कहा था इसे, अरे सालों से कहता रहा हूँ ऐसे गंवार से दोस्ती नहीं होती, अब देखा सबके सामने थप्पड़ मार के चला गया। मेरी पूरी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी की आज हुई है।
इडियट, उस गवार ने जब मुझे थप्पड़ मारा था उसी समय हाथ काट लेना था। मालिक मैं वही करने वाला था, लेकिन अपना अशोक उसका जिगरी दोस्त है ना, रणबीर को मारता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, रणबीर का हाथ काटना मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। सो सिंपल। सिर्फ उसे मारने से कुछ नहीं होगा, उसका घर भी तोड़ दो। यही बात। बिल्कुल यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ मालिक, एक ही तीर से दो निशाने लगाते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? ध्यान से सुनिए, आज की रात रणबीर के घर को तोड़ देंगे और इसके साथ साथ रणबीर और अशोक की दोस्ती भी टूट जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा करना सही रहेगा? प्लस माइनस करके देखिए मालिक, हिसाब समझ जाओगे। 15 सालों से जो ख्वाहिश मेरे दिल में थी आज पूरी होगी, तुरंत करो। जरूर करूंगा। तुम चाहे जितनी भी विस्की पी लो, लेकिन अपने परिवार के कलंक को नहीं मिटा पाओगे। तुम्हारे दोस्त रणबीर ने 4 लोगों के सामने तुम्हारे पिताजी को थप्पड़ मारा है, उनका सर नीचा कर दिया। एक बार सोच कर देखो, तुमने उसकी मां को मारा होता तो क्या वो इसी तरह चुप रहता? फंक्शन में आए सारे मेहमान मालिक के साथ हुए बेइज्जती के बारे में ही बात कर रहे थे, और उस दूध वाले की हिम्मत तो देखो, पूरी महफिल में हमें चैलेंज करके चला गया। समझता क्या है खुद को? अशोक, अपने पिता की बेइज्जती का जवाब देने के लिए रणबीर के घर को तोड़ना होगा। कहो तो तोड़ दूं। डॉन, डॉन, डॉन। जुर्म के बादशाह आप यहां बैठे हो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। एक मामूली सा काम है जो आपके लिए चुटकी बजाने के बराबर है। एक छोटा सा घर है, बस आपको उसे ही तोड़ना है। 1 लाख दूंगा। I am a bad man. ये तो बहुत छोटी सी बात है, चुटकी में हल हो जाएगी। I am a bad man. Thank you.
है। क्या है? बोल क्या बात है? मुझसे पूछता है क्या बात है? मैंने गुस्से में तेरे पिताजी को थप्पड़ मारा, बदले में तूने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, पर उसके बदले मेरे पिताजी के बनाए हुए मंदिर जैसे घर को तोड़ दिया। मेरी बात सुन, उस घर को तोड़ना बहुत ही जरूरी था, इसलिए तोड़ा। उसका तुझे जितना पैसा चाहिए ले ले और जा यहाँ से। नुकसान के पैसे देगा तो दे। मेरे पिताजी ने खून पसीना एक करके अपनी मेहनत से मंदिर जैसा घर बनाया था, तूने तोड़ दिया, वो दे सकता है? उस घर में मैं और मेरा परिवार शांति से रहते थे, वो शांति तूने भंग कर दी, वो शांति दे सकता है? तू क्यों तोड़ा उस घर को? नहीं दे सकता। ए, तूने सिर्फ मेरा घर नहीं तोड़ा है, मेरे दिल में जो तेरे लिए विश्वास था उसे भी तोड़ दिया है। मेरी माँ ने तुझ पर जो बेटे की तरह भरोसा किया है उसे तोड़ा है तूने। मेरी प्यारी छोटी बहन के अरमानों को तोड़ा है तूने। इन नुकसानों के पैसे दे सकता है? बहुत बड़ी बातें कर रहा तू। हाँ, इतने लोगों के सामने मेरे पिताजी को तूने थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उनकी मान मर्यादा इज्जत सब कुछ चली गई, ये सब कभी लौटा पाएगा तू? हाँ, एक मामूली से थप्पड़ की वजह से तूने हम लोगों की जिंदगी छीन ली। क्या हो गया? क्या है तू? बता मुझे, तू कोई राजा महाराजा है? तेरा बाप कोई बहुत बड़ा बादशाह था जो उसने कोई ताजमहल बनवाया था जो हमने तोड़ दिया? माचिस के डिब्बी जैसा झोपड़ा था तेरा, अगर तोड़ दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ, तूने कुछ कम किया है, मुझे थप्पड़ मारा उसका कुछ नहीं। प्लस माइनस करके देख, हिसाब बराबर आएगा। कब से सुनता आ रहा हूँ, पूरी हवेली को सर पे उठा लिया। अब चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले कान खोल के मेरी बात सुन लो। नाम, पैसा, शोहरत, दौलत के अहंकार के चक्कर में आप लोगों ने मेरे घर को तोड़कर मेरे परिवार को रास्ते पर ला दिया और मेरे अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया है। अशोक, आज तक तूने इस रणबीर की सिर्फ दोस्ती देखी है, लेकिन आज से ये रणबीर तेरा जानी दुश्मन है। आज के दिन को कैलेंडर में नोट करके रख ले, आज से अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दे। आज से तेरी और मेरी लड़ाई शुरू, और इस युद्ध में मैं तुझसे ज्यादा नाम, पैसा, शोहरत और दौलत कमाऊंगा। एक बहुत बड़ा होटल बनाकर, तेरी इस तरक्की और शोहरत को मिट्टी में मिलाकर, तेरे पैसों की गर्मी को ठंडा करके, तूने जैसे मेरे घर परिवार वालों को सड़क पर खड़ा कर दिया, वैसे ही तेरा घर तोड़कर तेरे परिवार वालों को भी सड़क पर खड़ा नहीं किया, तो मेरा नाम भी रणबीर नहीं। वकील साहब, अशोक ने जो होटल बनाई है वो रणबीर की जमीन पर बनाई है और इस बेचारे को धोखा देकर ही बनाई है, लेकिन दो जगह वहाँ पे बची है उसमें से आधी जगह को बेचकर जहाँ पर हमारा पुराना घर था उसी जगह पर अशोक से ज्यादा शानदार होटल हम लोग बनाएंगे। जमीन बेचने का बंदोबस्त कीजिए आप, क्यों सही कहा ना? ये बात तो सही है, पर वो जगह बेच नहीं सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? रणबीर, तुमने अपनी सारी जमीन अशोक को बेच दी है, डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर हो गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से लाया हूं मैं। पर वकील साहब, रणबीर ने अपनी कोई जमीन कभी किसी को नहीं बेची है, ये उन लोगों की धोखाधड़ी है। सर सर, आप उन लोगों पे कोर्ट केस करके उन्हें कोर्ट में घसीटिए। कोर्ट में उन्हें कैसे घसीटेंगे? रणबीर के प्लेन पेपर पर दस्तखत करने की वजह से उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया। हम चाहे कोर्ट में कुछ भी कर लें, जीत नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है सर? वकील साहब, ऊपर वाले का एक ही कोर्ट है और उस कोर्ट में ये रणबीर जीतेगा, हर कीमत पर जीतेगा। ये रणबीर के दिल से निकली हुई आवाज है। नमस्ते, चलो पंचर।
आओ मौसी जी। ए पंचर, तू अपने घर क्यों लेके आया? और तेरा वो साथी रणबीर कहाँ है? वो स्टेशन पर भी नहीं आए। भैया कहाँ है? मौसी आप अंदर जाइए ना, रणबीर अंदर ही है, आप जाइए जाइए जाइए। ये हाँ, क्या कह रहा है? मैं ऑटो छोड़ के आता हूँ, जाओ। रणबीर, रणबीर बेटा, क्या बात है बेटा, तू परेशान लग रहा है? क्या हुआ आपको, तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग थके होगे, पहले नहा लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर जाने के बजाय पंचर हमें यहाँ क्यों लेकर आया? घर में रिपेयरिंग हो रही है। रिपेयरिंग क्यों बेटा, घर सही सलामत है ना? हा? कहना वहाँ बारिश का सीजन है, तो मैंने सोचा थोड़ा छत ठीक करवा लूं। हाँ हाँ, बारिश में पानी तो टपकता है। देख, सिर्फ छत को ठीक करवाना, दीवार को कुछ मत करना, हाँ कोई भी चीज को छेड़ना मत। हाँ, जब भी तुम्हारे पिताजी की याद आती है तो दीवार पर सर रख के मैं उन्हें याद करती हूँ, तब ऐसा लगता है तेरे पिताजी मेरे पास है, उससे बात करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन, रिपेयर के नाम पे दीवार को कुछ तोड़ना फोड़ना मत, कह देती हूँ, काम करने वालों पर ध्यान रखना, ठीक है? देख बेटा, कुलदेवी के मंदिर से सबके नाम से पूजा करवा कर ये प्रसाद लेकर आई हूँ, इसे ले जाकर अशोक को भी दे देना। अशोक के लिए प्रसाद लाइयो। हाँ तो दो ना, पूरे मोहल्ले को बांट दो। रणबीर से खाली कागज पर दस्तखत करवा कर जमीन धोखे से लिखवा लिया इससे, जिसने आपके पति के पुराने घर को तोड़ दिया उसे जाके प्रसाद देना चाहती है तो जाओ। क्या कहा तूने, क्या कहा तूने, ये क्या कह रहा है तू? मेरा घर तोड़ दिया, मेरे घर को तोड़ दिया है रणबीर बेटा, मेरे घर को तोड़ दिया तूने, ये कैसे होने दिया? ओहो, अब मैं क्या करूँगी? मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया, ये हो नहीं सकता। मेरे मंदिर जैसे घर को तोड़ दिया। क्या कहा था तूने, हाँ? अशोक ने तोड़ा, ये हो नहीं सकता। मेरा अशोक ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुमसे जरूर कोई गलती हो गई है, मैं उससे बात करती। नहीं माँ सुनो, आज के बाद इस घर में कोई अशोक का नाम भी नहीं लेगा। तो ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? मेरी बात सुनो माँ, आज तक तुम्हारे दो बेटे थे, एक ये रणबीर और दूसरा वो अशोक, लेकिन आज से तुम्हारा एक ही बेटा है, या तो ये रणबीर या अशोक, फैसला तुम्हें करना है। नोनो, 2 लाख रुपए का बेरर चेक मैंने यहाँ किसी को नहीं दिया है। मुझे भी शक है सर, इसीलिए मैंने वो चेक लाने वाले को पकड़ के रखा है। उसने कहा कि उसे आपके मैनेजर सुधीर ने भेजा है। उसने कहा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं पूछताछ करके फोन करता हूँ। थैंक यू सर। सर, आपकी जानकारी के बगैर ये कोई पहला चेक नहीं है जो बैंक तक पहुंचा है, इससे पहले भी हो चुका है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? सर, ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है सर, सुधीर ने आपके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए हैं सर। ये बात आपको मैंने पहले बताने की बहुत कोशिश की थी सर, पर जान से मार देने की उसने मुझे धमकी दे रखी थी सर, इसीलिए मैंने डर की वजह से नहीं बताया। अंदर बुलाओ उसे। सुधीर, मेरी कैबिन में आओ। मैं कम इन। रास्कल, धोखेबाज, यहां फोर्जरी करता है। अशोक, क्या बात है मालिक, ये इस तरह क्यों बोल रहा है? अब ये नाटक क्यों कर रहा है? रिश्तेदार समझकर तुझे यहाँ काम दिया हमने, और तू क्या कर रहा है, हमारी थाली में छेद कर रहा है? कितना बड़ा धोखेबाज है तू, अशोक के फर्जी साइन करके हमारे पैसे लूट रहा है, निकल जा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खुद को हरिश्चंद्र की औलाद समझते हैं। मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की है, अशोक की झूठी साइन की है, पर आपने रणबीर को फंसा कर उसका अंगूठा लगवाया। उसका ए, कैसी बातें कर रहा है तू, निकल, चल निकल यहाँ से। अकाउंट में बाद में देखूंगा। पिताजी, वो बचना नहीं चाहिए, उसे अंदर डाल के हाथ पैर तोड़वाते हैं, मैं पुलिस को नहीं, नहीं, रुक जाओ। फोन मत करो, पुलिस में अगर कंप्लेंट किया तो हमारे होटल का नाम खराब हो जाएगा। अरे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं सब संभाल लूंगा, प्लस माइनस करके देखो, हिसाब बराबर होगा, रख दो। हाँ, ये मेरा फ्रेंड है सर रणबीर, इसे लोन चाहिए सर। क्या बिजनेस करना चाहते हैं?
गाय खरीद के दूध का बिजनेस करेगा ये। कितना पैसा चाहिए आपको? 2 लाख चाहिए सर। अच्छा, रणबीर के पास खुद का घर है क्या? था सर, लेकिन तोड़ दिया। कम से कम जमीन तो होगी। जमीन को भी उन पापी लोगों ने धोखे से अपने नाम करवा ली। ये क्या बात हुई? घर को तोड़ दिया गया, जमीन को धोखे से हड़प लिया गया, ये सब बताने से लोन नहीं मिलने वाला, समझ गए? प्लीज गेट आउट। डोंट से गेट आउट, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा तो हाथ जोड़कर बोलू तो चलेगा? रणवीर, उस 4 आंख वाले मैनेजर की बात को भूल जा तू। यहाँ सिर्फ एक ही बैंक थोड़ी है, इस शहर में और भी बहुत सारे बैंक हैं। हम किसी भी बैंक से जाके पैसा ले लेंगे और अपना घर वापस ले आएंगे। टेंशन मत ले तू। सर, सर, मंत्री जी आपको बुला रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं। मंत्री जी? जी। नमस्ते साहब। नमस्ते रणबीर भाई, तुम्हें लगा कोई और मिनिस्टर है क्या? अरे भाई मैं हूँ, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम दिख गए। सब कुछ ठीक ठाक है ना रणबीर भाई? हाँ साहब। अरे क्या ठीक ठाक है, उस पापी की वजह से ये बीच सड़क पर आ गया है। पूरी कहानी तो सुन लीजिए मिनिस्टर साहब। अरे इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो? उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी जरूरत पड़े मेरा दरवाजा खटखटाना। मैं मिनिस्टर बन गया तो क्या हुआ? उन दोनों ने तुम्हें धोखा दिया है। बाप बेटे दोनों को एक साथ जेल में डाल दूंगा। पीएफ, लॉ मिनिस्टर को फोन लगाओ। अरे नहीं साहब, जल्दी फोन लगाओ। छोड़िए ना, उन दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए रणबीर। अरे जाने दीजिए ना साहब। तुम चाहते क्या हो भाई? कुछ मत कीजिए। अरे ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर, हम लोगों ने गाय खरीदने के लिए एक थोड़ा सा लोन मांगा था सर, उन्होंने कहा ये लाओ वो लाओ और वो कह के भगा दिया। अगर आप उन्हें समझा देते तो शायद। बैंक वाले सिक्योरिटी मांगेंगे और क्या मांगेंगे? रणबीर भाई के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें लोन कितना चाहिए? 2 लाख रुपए का चाहिए साहब। सिर्फ 2 लाख रुपए? अरे वो तुम मुझसे ले लो भाई। नहीं साहब, अगर हिसाब किताब से हो तो। हाँ भाई, तुम तो सही राह पे चलने वाले इंसान हो। उस बैंक का नाम तो बताओ। महालक्ष्मी बैंक। अरे रणबीर सर, आपकी गारंटी यहाँ के मिनिस्टर या कामरम साहब ने खुद ली है। भाई आपने पहले ही बता दिया होता कि आप मिनिस्टर साहब को जानते हैं तो मैं खुद ही सारा का सारा इंतजाम कर देता। अब तो ऐसे ही बोलोगे तुम। रणबीर, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तेरे जो अच्छे दिन थे ना वो फिर से लौट आए। रणबीर, ये ऑपोजिशन गैंग का आदमी हमारी तरफ क्यों चला आ रहा है? नमस्ते रणबीर। नमस्ते। क्या हुआ, अशोक का आदमी यहाँ कैसे आया ये सोच रहे हो? जब मैंने पूछा कि आपने रणबीर को धोखा क्यों दिया, इतनी छोटी सी बात पे उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। कहा कि जाकर उसी के साथ काम कर। उसने मुझे बहुत जलील किया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। देखा देखा तुमने, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। शुक्रिया रणबीर भाई। Thank you.
मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, हमेशा की तरह इस साल भी हमारा प्रेसिडेंट इलेक्शन पूरा हो चुका है। इसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। मिस्टर अशोक, एडवांस में कांग्रेचुलेशन, इतने सालों से आप प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू। आप सब लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो नतीजा आ चुका है। ज्यादा वोट लेके इस साल हमारे प्रेसिडेंट बने हैं हमारे चहेते रणबीर जी। लेकिन जाने से पहले कान खोल के मेरी बात सुन लो। नाम, पैसा, शोहरत, दौलत के अहंकार के चक्कर में आप लोगों ने मेरे घर को तोड़कर मेरे परिवार को रास्ते पर ला दिया और मेरे अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया है। अशोक, आज तक तूने इस रणबीर की सिर्फ दोस्ती देखी है, लेकिन आज से ये रणबीर तेरा जानी दुश्मन है। आज के दिन को कैलेंडर में नोट करके रख ले। आज से अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दे। आज से तेरी और मेरी लड़ाई शुरू, और इस युद्ध में मैं तुझसे ज्यादा नाम, पैसा, शोहरत और दौलत कमाऊंगा। एक बहुत बड़ा होटल बनाकर, तेरी इस तरक्की और शोहरत को मिट्टी में मिलाकर, तेरे पैसों की गर्मी को ठंडा करके, तूने जैसे मेरे घर परिवार वालों को सड़क पर खड़ा कर दिया, वैसे ही तेरा घर तोड़कर तेरे परिवार वालों को भी सड़क पर खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी रणबीर नहीं। नाम याद है? रणबीर। Stupid. Hey, मेरी गाड़ी का कांच क्यों तोड़ा? तुमने मुझ पर कीचड़ क्यों उड़ाया? Idiot, stupid, fool. मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, और आज तो तुमने यहाँ कॉलेज में ही नाटक शुरू कर दिया। गुस्सा क्यों होती हूँ मैडम? आपको एक राज की बात बताऊँ? कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है। What? आपकी ही बातें करता है। आपकी फोटो देख देख कर बेचारा पगला गया है वो। कौन है वो idiot? वो इडियट मैं ही हूँ। कैसा लगा तुम्हें वो इडियट? यू, आई हेट यू। आई लव यू। आई स्टिल हेट यू। आई स्टिल लव यू। यू, मम्मी, क्या हुआ दिनेश? कपड़ों पर कीचड़ कैसे लग गया बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, एक लड़की से छोटा सा झगड़ा हो गया। तूने तो कुछ बदमाशी नहीं की ना? मैंने कुछ नहीं किया माँ, कार चलाते वक्त रास्ते पर पड़ा कीचड़ उसके ऊपर उड़ गया तो उसने पत्थर से कार का कांच तोड़ दिया। कपड़े खराब हो गए, जाकर चेंज करो और नाश्ता भी कर लो। सुनिए, आपको कोई पुरानी बात याद आ गई क्या? हाँ, बचपन में घटी एक बात मुझे अचानक याद आ गई। समझ गई, आज भी आप रणबीर को भुला नहीं पाए हैं ना? ये क्या हुआ, तेरे कपड़ों पर कीचड़ कैसे? कुछ नहीं माँ, क्लास खत्म होने के बाद मैं कार का वेट कर रही थी, तभी दूसरे कार वाले ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया और पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। बस बस जा, फ्रेश हो जा और ड्रेस चेंज कर ले। रणबीर,
रणबीर बेटा, तू किसे याद कर रहा है मैं जानती हूँ, सब कुछ पता है मुझे। ये जो प्यार है पत्थर पर खिंची लकीर जैसा होता है, अगर पत्थर टूट भी जाए लकीरें नहीं मिटती। अशोक को तो अभी भी भुला नहीं पाया है ना? हाँ माँ, ना तो मैं उसे भूला हूँ और ना वो जो उसने हमारे साथ किया है। माँ, धोखेबाज से दोस्ती की जा सकती है, लेकिन अगर दोस्त धोखा दे तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। सुनो लक्ष्मी। क्या है माँ जी? आज तुम्हारी सालगिरह है, मंदिर जाने के लिए रणबीर से बात की ना? मैं बात नहीं कर पाई, वो रात को 2 बजे घर पर आए और तुरंत आकर सो गए। ओहो हो, तुम भी बस बहाने ढूंढती रहती हो। आज आएंगे, कल आएंगे, रात को देरी से आएंगे। उसके बचपन की मासूम हंसी देखे कई साल बीत गए। सुन लक्ष्मी, आज तू किसी भी हाल में उसे मंदिर लेके जा, समझी? वो आ रहा है, जा जा। सुनिए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ये बात है? सुन तो बेटा, रणबीर रोज काम है कह के तू चला जाता है, अगर तू अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर घूमने ले जाएगा तो उसे बहुत खुशी होगी बेटा। आज शादी की सालगिरह है ना, अपनी पत्नी को कम से कम आज मंदिर तो लेके जा बेटा। जा बेटी, जा। पैर पड़ो। सुखी रहना बेटा। चलता हूँ माँ। रेस्पेक्टेड जेंटलमैन, अभी जिस बंगले की नीलामी होने वाली है और उसके पास की 20 बीघा जमीन कॉरपोरेशन की जमीन है, इस पर आप फ्लैट बना सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या फिर 5-स्टार होटल बना सकते हैं। उस जमीन के लिए सरकार की तरफ से जो बोली शुरू हो रही है वो है 1 करोड़ रुपए। अब आप अपनी बोली शुरू करें। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 75 लाख रुपए। 2 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़ 1। 2 करोड़ 2। 3 करोड़। 4 करोड़। रणवीर साहब ने 4 करोड़ की बोली लगाई है। ऐसी जगह शहर में कहीं नहीं मिलेगी, बोली लगाइए 4 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़। अशोक जी ने बोली लगाई है 5 करोड़। 6 करोड़। 6 करोड़। 6 करोड़ 1। 7 करोड़। 7 करोड़। 7 करोड़ अशोक जी ने लगाई है। 8 करोड़। 8 करोड़। रणबीर साहब ने 8 करोड़ की बोली लगाई है। बोली ज्यादा हो रही है। 8 करोड़ 1। बेहतर है कि आगे मत बढ़ो। 8 करोड़ 2। 9 करोड़। 9 करोड़। 9 करोड़ 1। 9 करोड़ 2। 11 करोड़। 11 करोड़। रणबीर साहब ने 11 करोड़ की अशोक, बोली लगाई है। अशोक सुनो, आगे बोली मत लगाना। 12 करोड़। 12 करोड़। 12 करोड़ अशोक जी ने लगाई है। 12 करोड़ 1। 12 करोड़ 1। 12 करोड़ 2। 12 करोड़ 2। 12 करोड़ 3। ये जमीन अशोक जी के नाम पे की जाती है। तीन करोड़ की जायदाद को 12 करोड़ में खरीदने वाले बेवकूफ को कभी देखा है?
मैंने भी अभी अभी देखा है। ये हमेशा हिसाब किताब की बातें करते हैं पर रणबीर के हिसाब को नहीं समझे। आदमी आज का हिसाब करता है और औरत कल का हिसाब करती है। लड़के दिल का हिसाब करते हैं और लड़कियां शादी का हिसाब करती हैं। गरीब रोटी का हिसाब करता है और पैसे वाला पैसों का। पॉलिटिशियन वोट का हिसाब करते हैं और आम जनता भरोसे का। इंसान पुण्य का हिसाब करता है और भगवान पाप का। लेकिन रणबीर सिर्फ इंसाफ का हिसाब रखता है। प्लस माइनस करके देख लो, हिसाब बराबर है। मुझे हिसाब सिखाने चले थे। तुमने कौड़ियों की कीमत वाली जमीन को 12 करोड़ में खरीदा? पिताजी, ये बात मेरी इज्जत पे बनाई थी। चुप रहो, इज्जत बचाने के चक्कर में 12 करोड़ गवा दिए। 1 करोड़ के लायक नहीं थी वो और तूने 12 करोड़ दिए। व्यापार करना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। अब बताओ कहाँ से आएंगे इतने पैसे? कैसे भी चुका दूंगा, बैंक से लोन ले लूंगा। बैंक से लोन ले लेंगे? कौन सा बैंक देगा? बैंक से लेटर आया है, पिछला लोन पहले बंद करो फिर दोबारा लोन मिलेगा। मैंने कहा था बोली मत बढ़ाओ। अब जाओ और उस गवार के पैर पकड़ लो, और कोई रास्ता नहीं है वरना हम सब सड़क पर आ जाएंगे। अरे बैंक तो बैंक, अब तो शेयर होल्डर्स भी 1 पैसे नहीं देंगे। मुझे वो सब नहीं पता, पैसे तो भर नहीं होंगे तो फिर इस घर को गिरवी रखना होगा। इस घर को गिरवी रखने के लिए मैं कभी, और क्या रास्ता बचा है? अगर उधार नहीं चुकाया तो फिर हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अब तक तो मैंने तुम्हारा बोझ उठाया है, अब आज से तुम मेरा बोझ उठाओगे। अशोक, अरे इस घर को गिरवी रखने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्लस माइनस करके देखो हिसाब बराबर आएगा। मुझे चैलेंज देने की हिम्मत कर रहा है वो रणबीर। ये गंगाधर उसे दिखाएगा कि मैं कितना पुराना खिलाड़ी हूं। अशोक तुम चिंता मत करो, मैं उस गंवार से नहीं हारूंगा। गंगाधर नाम है मेरा। हाँ देख लेंगे। रणबीर एक बैड न्यूज है, अशोक के बेटे और तुम्हारी बेटी को कहीं देखा गया है अभी। अभी बैठो। कॉफी पियोगी? नहीं पापा। मैं पीऊंगा। लक्ष्मी जी 2 कप कॉफी अभी लाई। सुनो बेटी, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, ये जब देखो तब छोटों को नसीहत देते रहते हैं, अपनी मर्जी से उन्हें जीने नहीं देते। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, उनसे अलग हूं। मुझे लगता है अपने होने वाले पति को चुनने का तुम्हें पूरा हक मिलना चाहिए, पर तुम अभी छोटी हो, सिर्फ 18 साल की ही हो, पढ़ाई की उम्र है। इस उम्र में बड़ों की बातें हमेशा गलत लगती हैं और खुद जो सोचो वही सही लगता है। ये उम्र अच्छा बुरा नहीं समझती, ये उम्र ही कुछ ऐसी है। इसलिए जो अकलमंद है वो इस उम्र में ज्यादा बड़े फैसले कभी नहीं करते। पापा मैं उससे प्यार करती हूं। कॉफी पियो। सुनो बेटे, किसी को प्यार करके पति बनाने से अच्छा है किसी को पति बनाकर फिर उसे प्यार करो।
हमेशा खुश रहोगी। चाहे कुछ भी हो, मैं उसी से शादी करूंगी। रिया, अगर तुमने उससे शादी की, मैं और अशोक समधी बन जाएंगे। हमें अक्सर मिलना पड़ेगा, अच्छे बुरे में शामिल होना पड़ेगा, पर यह सब नहीं हो सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अशोक मेरा जानी दुश्मन है। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, मेरी जान हो। हम सबको छोड़कर तुम वहां जाओगी? आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अपने जवान बेटी पर कोई हाथ उठाता है? देखो ना माँ, मैं कब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये एक ही रट लगाए बैठी है। अभी तक ये मुझे नहीं जानती। फिर कभी उस लड़के का नाम मेरे सामने लिया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चोरी, आज पापा से बढ़कर वो लड़का हो गया तेरे लिए। जा अंदर, जा। बेटा, बेटा गुस्सा मत हो, शांत हो जा बेटा। नहीं माँ, जिन पर भी मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ वही मेरा दिल तोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे नहीं पता, यहाँ पर शांति नहीं है, मेरा दम घुट रहा है। तो फिर आपके जाने के बाद हम लोग शांति से रह पाएंगे क्या? इस घर में सारी सुविधाएं जरूरत से ज्यादा है पर शांति नहीं है। आपकी हंसी में हमेशा एक मासूमियत थी जो कहीं खो गई है। मैं उस मासूम रणवीर को वापस देखना चाहती हूँ। वो रणवीर कई साल पहले मर चुका है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, धनजन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, झनझन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। पापा, पापा, मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी पापा, मैं वैसा ही करूंगी। नहीं पापा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं पापा। या सुधीर ही यार, क्या कहा? मुझे इसी वक्त होटल आना है, ये रणबीर का ऑर्डर है। रणबीर कोई तोप है क्या? है, फोन मत करना। ये सब क्या है जी? पहले आप रात में पीते थे, अब काम काज छोड़कर दिन में भी पीने लग गए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भैया के बुलाने पर भी आप नहीं जा रहे, मेहरबानी करके काम पर जाइए। तू मुझे ऑर्डर मत दे, तेरा भाई बुलाएगा और मैं चला जाऊंगा क्या? ऐसी बात मत कीजिए, भैया नहीं होते तो आप इस पोजीशन पर नहीं होते। क्या कहा? तेरे भाई की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे आया हूँ। मेरी वजह से तेरा अनपढ़ भाई आज इस पोजीशन पे है। रुक 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 रुक, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो तू अपने भैया का नाम लेती है। तेरा भैया कोई जिला कलेक्टर है क्या? आखिर है तो वो गोबर ही। अरे वो एक दूध वाला था। आप मेरे बारे में जो भी कह लीजिए, लेकिन अगर मेरे भैया के बारे में कुछ गलत कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अनपढ़ गंवार औरत गोबर उठाने वाली मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे है? अभी मैं तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ, देखता हूँ तेरा भैया का।
हेलो, मैं कमला बोल रही हूँ। हेलो कमला। माँ नहीं है क्या? माँ तो बाहर गई है। कमला बाद में फोन करती हूँ। कमला भैया, आप अचानक फोन क्यों रख दिया था तुमने? आप अंदर तो आइए, मैं कॉफी बनाती हूँ। फोन क्यों रख दिया था? मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या बात है? कुछ नहीं भैया, गिर गई थी। बिना कुछ भी देखे धोखा खाने वाला तेरा भाई अब दूध वाला रणबीर नहीं रहा। अब वो दुनियादारी समझता है, किसी की बातें सुनकर, किसी के जख्म देखकर पूरी कहानी समझ सकता है। कब से चल रहा है ये सब? कहाँ है सुधीर? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? मालिक, इन्हें बचा लीजिए, वो रोज इन्हें मारते हैं, फिर भी उनकी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं कहती। भैया, भैया बोले कुछ मत कीजिए। जो पति के घर की बातें माँ बाप को बताए उसे औरत नहीं कहते। बहन के साथ हो रही नाइंसाफी को देखने वाले भाई को मर्द नहीं कहते। रणबीर, नहीं मुझे गोली मत मारो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो रणबीर, प्लीज। मेरी बहन की आंख से आंसू की एक बूंद भी निकली तो तेरे बदन में खून की एक बूंद नहीं बचेगी। थैंक यू। ब्लडी फूल। रणबीर, एक गुड न्यूज है भाई, बहुत ही जल्द तुम्हारा बरसों का सपना पूरा होने वाला है। उस दिन तुम्हारी वजह से जो उनका 12 करोड़ का नुकसान हुआ था ना, उसकी वजह से अशोक बर्बाद हो गया। उन बिचारों का तो घर तक नीलाम होने वाला है। जो कीमत मांगे दे दो, वो घर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। गया, सब चला गया। अशोक, 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 क्या हुआ पिताजी? होगा क्या, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शेयर मार्केट में उसने इतने शेयर्स खरीद रखे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, उधार चुकाने के लिए बंगला गिरवी रखा था, उसे भी रणवीर ने खरीद लिया। अब चलो कहीं सड़क पर रहते। गॉड को क्या याद कर रहे हो, वो भी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में है। अशोक, तेरी छोटी सी गलती ने देख आज क्या कर दिया। उस दिन तू अगर जोश में न आया होता, तेरे पति ने 12 करोड़ की बोली न लगाई होती, तो हमें यहाँ से हिलाने की किसकी हिम्मत होती। तेरे तेरे कुछ सेकंड की बेवकूफी से सब बर्बाद हो गया। आज हमारा परिवार देख सड़क पर आ गया, सड़क पर आ गया। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या पिताजी, इन सब की वजह सिर्फ मैं नहीं, और ना ही सिर्फ मेरी बेवकूफी है, आपका लालच है। वक्त की हेरा फेरी देखिए, आपकी इज्जत, शान शौकत, हाँ सब कुछ चला गया। हम हार चुके हैं पिताजी, और रणबीर जीत चुका है, और इसकी जीत से मुझे बहुत खुशी है। रणबीर, 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 अपने धर्म युद्ध में तुम जीत गए भाई, जो ठाना था वो पूरा हो गया है।
अशोक के घर के सारे डॉक्यूमेंट सब मेरे हाथ में हैं। बस तुम हुक्म करो, तुम्हारे परिवार को बेघर करने वाले उस अशोक के घर पर बुलडोजर चलाकर हम लोग उसे भी बीच सड़क पर ला खड़ा कर देंगे। बस हुक्म करो। ये लो भाई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। माँ क्या है बेटा? ये ले जाकर अशोक को दे दो। रणबीर ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही उसके हाथ में देने के लिए क्या हमने दिन रात इतनी मेहनत की थी? तू भूल कैसे गया कि उन्होंने तुझे घर से बेघर कर दिया था? उन्होंने तेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई तो तू उनके साथ हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? गरीब अमीर बन सकता है पर अमीर को गरीब नहीं बनना चाहिए। ये पेपर उसे दे दो माँ। रणबीर बेटा तूने अब तक लाखों करोड़ों रुपए कमाए होंगे लेकिन मुझे कभी खुशी नहीं मिली, लेकिन अब कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। रणबीर मेरा बेटा है, रणबीर मेरा बेटा है, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। सुनिए आप तो बदल गए थे फिर ये क्यों? मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अशोक तुम्हें कितने दिनों बाद देख रहा हूं। आओ ना माँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है ना, उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा, ऐसा मत बोल। माँ जी कैसे हैं? तुम सब कैसे हो? हम खुश हैं माँ। मैं भी ठीक हूँ बेटा। पता नहीं जो कुछ नहीं होना था वो हो गया, लेकिन आज भी रणबीर अपना हर एक पल तुम लोगों को याद करने में बिताता है। ये लो बेटा मैं इस घर के कागजात लाई हूँ। मेरा बेटा तेरा दोस्त रणबीर तेरा घर नहीं छीन पाया। ये ले बेटा। अशोक नाम मत कहना। क्या हुआ बेटा तो इस तरह से क्यों देख रहा है? अशोक तो हमें गलत मत समझना, रणबीर को गुस्सा तो आता है लेकिन उससे ज्यादा उसे प्यार करना आता है, तो मानता है ना? बहन जी इतने दिनों तक मैं सिर्फ प्लस माइनस के हिसाब में उलझा रहा, कभी लोगों का ख्याल नहीं किया, कभी किसी का नहीं सोचा। मैंने रणबीर और आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, फिर भी हमारे परिवार पर आप लोग इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप लोग सच्चे इंसान हैं, बल्कि कहूंगा फरिश्ते हैं। हाँ आपने अपनी कोख से फरिश्ते जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू कि मेरे पापा का प्रायश्चित हो। अरे आप तो बड़े लोग हैं, हमारे लिए इतनी बड़ी बातें मत कीजिए। इतने दिनों से जो रिश्ता टूट गया था वो रिश्ता अब फिर से जुड़ गया है, बस इसे जुड़ने दीजिए भाई साहब, हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। डॉन रणबीर को खत्म करना जरूरी है, उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। मैं तुम्हें एडवांस के 25 लाख रुपए दे रहा हूं। रणबीर को तुमने शमशान पहुंचाया तो तुम्हें 5 करोड़ रुपए और मिलेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। उसे हर कीमत पे मारना यही मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। सुनो रणबीर, मैं आज अशोक से मिलकर आई हूं, तू जैसा सोच रहा है वैसा तो कुछ भी नहीं था बेटा।
होटल में जो फायदा होता उसने पिताजी से कह रखा था कि वो तेरे साथ बांटेगा। ये बात उसके पिताजी को मंजूर नहीं थी, उन्हें ये बात सही नहीं लगी। कागज पर तुम्हारा अंगूठा लेकर फायदा कमाने के लालच में अशोक के पिताजी ने हमसे धोखा किया। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने तुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि उस दिन तुमने भी 4 लोगों के सामने उसके पिताजी को थप्पड़ मारा था। उस बेइज्जती को वो सह नहीं पाया। बेटा तो खुद ही सोच, अगर तेरी माँ को कोई थप्पड़ मारता तो तू क्या देखकर चुप रहता? तू तो उसका हाथ काट देता। तो फिर अशोक ने कैसी गलती की? तुझे शायद ये नहीं पता कि उसे अपने किए पर आज भी बहुत पछतावा होता है बेटा। और पता है इन सब का जिम्मेदार कौन है? हमारा दामाद सुधीर। हेलो माँ, मैं कमला बोल रही हूँ। क्या हुआ बेटी? भैया मुझसे मिलने घर आए थे, मेरे पति मुझे बहुत तंग करते हैं, ये बात मेरी नौकरानी ने उन्हें बता दी। भैया कहकर गए थे कि वो उन्हें सबक सिखाएंगे, कहीं कुछ होना जाए, इसलिए मैंने अशोक भैया को फोन किया था। उन्होंने मुझे दोबारा मारा क्योंकि मैंने सारी बातें भैया को बता दी। अशोक भैया उन्हें रोकने घर पर आए थे, पर वो और उनके गुंडों ने मिलकर अशोक भैया को किडनैप कर लिया। वो कह रहे थे कि वो अशोक भैया का कत्ल कर देंगे। क्या कह रही हो? रणबीर, रणबीर, अशोक की जान को खतरा है बेटा। सुधीर ने अपने गुंडों की मदद से अशोक को किडनैप किया, ऐसे कमला ने मुझे बताया।
आई एम अ बैड मैन। सारे कांच को गोली मार के चूर चूर कर दो। उसके आने की आहट सुनाई ना दे इसलिए उसने जूते यहाँ उतार के रखे हैं। अब देखना यह है कि कांच पर बिना जूतों के वो कहाँ तक चलेगा। I am a bad man. Oop. मुझे बता दे अशोक को किस कार में छुपाया है। चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन अशोक को छोड़ दे। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना, Thank you.
आई एम अ बैड मैन। फिर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है ठीक है, मुहूर्त निकलने से पहले मंगनी तय कर लें। तय कर सकते हैं, पर लड़की का पिता भी तो होना चाहिए। कहाँ है तेरा समधी? वो कहाँ है? रणबीर ब्रदर वॉरियर। करोड़पति रणबीर फिर से दूध वाला कैसे बन गया? रुको 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 रुको, वो दूध वाला रणबीर थोड़े दिन के लिए करोड़पति रणबीर बन गया था, आज से ये रणबीर फिर से दूध वाला रणबीर बन गया, क्योंकि यही परमानेंट है, बाकी सब टेम्परेरी।